हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बारे में। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है जनरेटर, दिस वन इज़ द कूलिंग चैम्बर, हीटिंग चैम्बर, टरबाइन एंड कंप्रेशर। दीज आर द मेन पार्ट्स, हीटिंग चैम्बर, जनरेटर, टरबाइन, कंप्रेशर और कूलिंग चैम्बर। तो आप देख सकते हैं नंबरिंग के लिए गई है 1, 2, 3 एंड 4। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की बात करते हैं तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक कंप्रेशर है, हीटिंग चैम्बर है, कंप्रेशर है, हीटिंग चैम्बर है, गैस टरबाइन है जो कि ड्राइव द जनरेटर, ड्राइव थ्रू द जनरेटर, दिस वन इज द जनरेटर एंड कंप्रेशर, जनरेटर, कंप्रेशर एंड कूलिंग चैम्बर। जनरेटर है, कंप्रेशर है और कूलिंग चैम्बर है। इन दिस टरबाइन द एयर इज़ कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, दैट इज़ योर जनरली इन रोटेटिंग कंप्रेशर एंड देन पास इनटू द हीटिंग चैम्बर, देन पास किस थ्रू हीटिंग चैम्बर। द कंप्रेस्ड एयर इज़ हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, द कंप्रेस्ड एयर इज़ हीटेड, कंप्रेस्ड एयर इज़ हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स एंड मेड ऑफ टू फ्लो ओवर द टर्बाइन ब्लेड्स, दैट इज जनरली रिएक्शन टर्बाइन। दिस द गैस वाइल फ्लोइंग ओवर द ब्लेड्स गेट्स एक्सपेंडेड फ्रॉम द टर्बाइन। द गैस इज पास्ड थ्रू द कूलिंग चैम्बर वेयर इट इज़ कूल्ड at constant pressure with the help of circulating water to its the compressed air is heated at a constant pressure with the help of some external source and made to flow over the turbine blades, generally reaction turbine. kaun sa turbine hoga, generally reaction turbine. The gas while flowing over the blades get expand from the turbine. The gas is passed through the cooling chamber where it is cooled at constant pressure with the help of circulating water to its original temperature. Now the air is made to flow into the compressor again. It is thus obvious that in a closed cycle gas turbine the air is continuously circulated within the turbine. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला यहाँ पर कंप्रेशर, हीटिंग चैम्बर, टरबाइन, जनरेटर एंड कूलिंग चैम्बर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी वी एंड टी एस डायग्राम। सिंस द हीटिंग एंड कूलिंग टू ऑफ एयर टेक प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्या है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, देयर फोर दिस टर्बाइन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट प्रेशर क्लोज गैस साइकिल गैस टर्बाइन। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस टरबाइन में, दिस टरबाइन इज़ आल्सो कॉल्ड अ कांस्टेंट प्रेशर क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, बल्कि बेसिकली ये वर्क्स करता है ऑन द जूल साइकिल। जैसे कि यहाँ पे आप पीवी और टीएस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस वन इज़ द पीवी डायग्राम एंड दिस वन इज़ द टीएस डायग्राम। तो देयर आर 0.1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1 एंड सो ऑन, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 1। तो दिस प्रोसेस शोज, 1 से 2 शोज दैट द हीटिंग ऑफ द एयर इज एयर इन हीटिंग चैम्बर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड द प्रोसेस ऑफ 2 से 3 शोज आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन ऑफ एयर इन द टर्बाइन। सिमिलरली प्रोसेस 3 to 4 शोज द कूलिंग द एयर ऑफ द एयर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इन कूलिंग चैम्बर एंड फाइनली 4 to 1 शो आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन ऑफ द एयर।